Yo, 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 what's up people? I hope everyone's doing good. My name is Shaurav and welcome back to my channel. Guys, aaj main fir se Delhi Heart ke andar hu. Wo isliye hu is only because I wanted to try Assamese food. Hua kuch ye tha ki I was getting these comments jiske andar tha ki try Assamese food, it's really good and all. And actually batau, mujhe bahut pasand bhi hai North Eastern food. Aaya kuch time se since I've been trying it. To aaj hum aaye hain Assamese jagah pe jahan bahut bahut authentic khana milta hai. Inke chef saab Assam se hain. It's a really good thing. अब क्या करेंगे हम लोग सर्वर से मिलेंगे वल्ले अच्छी क्या स्पेशल वगैरह वो सब ऑर्डर करेंगे विल सी हाउ दे प्रेजेंट इट उसको टेस्ट करेंगे एंड विल सी इफ इट्स गुड और नॉट वीडियो के एंड तक बने रहो क्या करो एंड तक बने रहो दिखता अच्छा है नहीं अच्छा लेट्स बिगिन गाइस दे हैव अ ब्यूटीफुल सीटिंग इस तरह से कुछ अम्ब्रेलास लगे हैं विद द टेबल्स सो द एटमॉस्फेयर इज रियली रियली गुड भैया मेन्यू दे दीजिए प्लीज थैंक यू गाइस इन्होंने मेन्यू दिया एंड द मेन्यू इज टू लॉन्ग ऑल्दो आई कैन सी असम स्पेशल वेज एग डार्क फिश चिकन और गोइंग फॉरवर्ड मटन पोक बहुत कुछ है इनसे ही पूछते हैं क्या ऑर्डर करना है भैया क्या ऑर्डर करना चाहिए क्या पहले आप देख लीजिए सर आपका मेन्यू दे दिया आपको फिश थाली करना है चिकन थाली करना है आपको पोक थाली आपको आप बताओ आपकी स्पेशल क्या है स्पेशल आपको फिश थाली होता है असमिस डिश होता है आपका अच्छा पोक थाली होता है ठीक है बेम्बो होता है आपका अच्छा वैसे होता है एक थाली भी होता है एक टू तो आप एक काम करो आप मेरे लिए एक ना फिश थाली कर दो फिश थाली हाँ ठीक है थैंक यू सो गाइज मैंने पता है क्या किया इन्होंने मैंने एक फिश थाली ऑर्डर करी उन्होंने कहा चार पांच आइटम आती है सो वेज भी होता है नॉन वेज भी होता है नॉन वेज ऑब्वियसली फिश है बट मैंने रिक्वेस्ट करी है कि आप मेरे को पोक भी दे दो वो थाली मेरे को दूसरी देंगे वो पोक का मुझे बोल दे देंगे तो वी कैन सो दैट वी कैन ट्राई पोक इज वेल इसमें होगा क्या कि जब आप यहाँ पे आओगे अगर आप फिश थाली ऑर्डर करोगे तो आपको पूरी फिश थाली मिलेगी अगर आप करोगे पोक तो पूरा पोक के साथ मिलेगी पर दो मीट नहीं मिलते एक थाली के अंदर मेरे केस के अंदर ही मुझे पोक भी ट्राई कराने हैं सो दैट आप सबको मैं दिखा सकूँ इसको क्या बोलते हैं भैया अजाम के जापी इसको सर पे लगाते हैं अच्छा गाइस दे हैव डेकोरेटेड विद जाकी जापी ठीक है ओके कूल अच्छा गाइस वन मोर थिंग अभी द गाय केम उन्होंने मुझे बताया कि इनके इसके एसमीज ग्रीन टी है व्हिच इज ऑल ऑर्गेनिक दैट्स वेरी कूल यार मतलब इस पे कुछ लिखा है वेट लॉस फाइट्स कैंसर एंड अ लॉट मोर बेनिफिट्स तो ग्रीन टी प्लस मसाला चाय का हिसाब किताब भी है तो अगर आपको ऐसी चीज़ें लेनी है मतलब अगर आप दिल्ली हाट आते हो एंड खाना नहीं खाना है यहाँ का तो यू कैन बाय सच प्रोडक्ट यार वेरी कूल यार एंड दे वेरी रीजनेबल इज दो 200 रुपये का हिसाब है बस कोई ज़्यादा भी नहीं है ये ना हमें एक शॉट लेना था लैंटर्न्स के साथ तो हम यहाँ ना लैंटर्न जलाने की कोशिश कर रहे हैं सही है ले लूँ शॉट अब कहीं से मेरे को गामोछा पहना रहे हैं द एसमीज वे ऑफ ईटिंग थैंक यू यार गाइस द फूड हियर लेट्स स्टार्ट गाइस मैंने ये गमोछा पहन लिया पूरी ऑथेंटिक फील आ रही है खाना मेरे सामने एंड एवरीथिंग इज लुकिंग रियली रियली गुड आई एम सो हैप्पी टू सी कि प्रॉपर थाल बनी है एंड इट्स अप्रोप्रिएटली मेड ये है पोक जो उन्होंने मुझको दिया है और ये है ऑब्वियसली फिश जो उन्होंने मेरे को दी है एंड दिस इज ऑल वेजिटेरियन तो अगर आपसे वेज मंगाएंगे तो थाली के अंदर से ये वाला पोर्शन आएगा ऑब्वियसली द मीट्स वोंट बी अ पार्ट ऑफ इट करेंगे क्या विल स्टार्ट एंड ऑब्वियसली माँ घूमना देख के आई वॉन्ट टू स्टार्ट मैं हाथ से खाऊंगा क्योंकि मुझे हाथ से खाना पसंद है अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे हैं तो उसमें हाथ से ही खाता हूँ थोड़ा सा मैं थालियों को बाहर रख देता हूँ आई नीड सम स्पेस यहाँ पे थोड़ा ये सैलेड इधर गया ये थोड़ा इधर गया सबसे पहले चालू करेंगे ऑब्वियसली पोक से क्योंकि पोक का हिसाब ही अलग है इट्स रियली टेस्टी थोड़ी ग्रेवी डालते हैं अच्छा जब भी मैं देखा नॉर्थ ईस्ट में ग्रेवीज पतली होती हैं इट्स रियली कूल सो क्या होता है सारा राइस अब्जॉर्ब कर लेता है ग्रेवी को इसे हल्का सा एक होल बना लेते हैं एंड लेट्स गिव इट अ गो लेट्स गिव इट अ गो ओके गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल सब्सक्राइब दिस इज सो गुड सिंपल पोक करी अमेजिंग ये इन फैक्ट सही बताऊं मुझे बैम्बूशूट से बेटर लगी पता नहीं इस वाली में फ़र्क क्या है थोड़ा ना मटन का फ्लेवर भी आ रहा है ग्रेवी में पतली ग्रेवी है बड़ी कूल लग रही है बहुत स्वाद है
Okay, that's the piece. How amazing is this? Beautiful. Amazing. मज़ा आ गया. Guys, this is pork. अब आते हैं फिश पे. देखते हैं फिश को. मैं तुमको फिश का पूरा पीस दिखा दूँ जो सबसे ज़्यादा किलर लग रहा है. Look at this, people. Look at this. Isn't this looking amazing? How beautiful is that? Can you see me? Can you see me? Yeah. Okay. I love that the skin is there fish ke saath, jo mujhe bahut tasty lagti hai. And it's a bone wala piece, so we'll have to be very careful while we eating it. Halanki isme mujhe lag nahi raha kuch hai. Ye main pura fish ka tukda lunga, thoda rice dalunga, thodi gravy bhi dalte hain. And there you go. All right, this is fish and rice. Wow. भैया रोस्ट भी करिए, बहुत सही लग रही है. ये फ्राई है पहले, उसके अंदर रोस्ट है. फ्राई करने यार, बड़ी कूल लग रही है यार. आई लाइक दैट इट्स क्रिस्पी, रियली रियली गुड. एक्चुअली बहुत स्वाद है. गाइस मेरे को ना ये ट्राई करना था, ये जो उन्होंने पोटैटो दिए हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं ठीक है ग्रेवी के साथ. ओके, जैसे वो शैलट्स डाल रखे हैं, मतलब वो छोटे अनियंस डाल रखे हैं आलू के साथ, तो पर मुझे ऐसे भी समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे पोक बहुत अच्छा लगा, मुझे फिश बहुत अच्छी लगी. दाल ट्राई करते हैं, दाल सबकी फेवरेट होती है एंड वेजिटेरियंस के लिए ऑब्वियसली इट्स अ ट्रीट. अच्छे से दाल मिक्स करते हैं. लेट्स हैव दाल, लेट्स हैव दाल, लेट्स हैव दाल. इसमें एक डिफरेंट फ्लेवर है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा फ्लेवर है. बहुत स्वाद बनी है दाल, और ये अलग है थोड़ी येलो दाल. ओह मैन, आई लव दाल इज वेल यार, दिस इज सो गुड. गाइस ऐसे में थाली फाइनली ट्राइड, मैंने पहली बार ट्राई की है, जस्ट सो यू नो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं की थी. द फर्स्ट टाइम विद आसमी थाली. दिस द पीस ऑफ पोक. ओके, पोक इज द वेरा फॉर दिस डिश फॉर मी एंड आई एम वेरी सीरियस. वाह, फिश. गाइस ये सब्जी है भैया, सब्जी कौन सी है, इसे क्या कहते हैं? मिक्स वेज वेजिटेबल. उसको ट्राई करते हैं. हालांकि मैं सब्जियां कम खाता हूँ ऑनेस्टली, रियल लाइफ में ऐसा नहीं, अच्छी नहीं है, बट मैं इतना खाता नहीं हूँ वैसे. आपने देखा ही होगा मेरे वीडियोस में, दे हैव कर्ड, यू कैन ट्राई थोड़ी सी कर्ड मिक्स करके राइस कर्ड, पर बस तो वही है, राइस कर्ड खाना, अलग से कर्ड खा के क्या करना है. जैसे आसमी स्थाली गाइस, जितना खाता हूँ खाता हूँ, बाकी ऑब्वियसली पैक होगी, वेस्ट नहीं करूँगा खाना. बने रहो, अभी मिलता हूँ आप लोगों से. गाइस एवरीथिंग इज बीन पैक्ड, जैसे कि ये रहा. द फूड वॉज एक्सेलेंट, आई लव्ड इट. ग्रेवीज बहुत पतली थी, पोक वॉज द हीरो फॉर मी. और दोनों फिश और पोक की ना ग्रेवीज बहुत पतली, दैट वॉज रियली गुड. मतलब ना बिल्कुल हैवी लग रही थी वाइल इज हैविंग इट. सो गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल. दिल्ली हार्ट के अंदर आपको आसमी स्टॉल के अंदर आना है, वहाँ पे यू ट्राई दिस फूड. मतलब यहाँ पे आने के बाद यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस फॉर श्योर. दिस इज इट फॉर द वीडियो. शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो. बट इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब यार, करो सब्सक्राइब. शोएब अरोड़ा व्लॉग्स लिखेंगे फेसबुक पे, वहाँ भी फॉलो कीजिए. इंस्टाग्राम पे अरोड़ा शुभ लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. आई विल सी यू वेरी सून. अंटिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय.